गाइस, वेलकम टू माय चैनल माय पेट्स इन्फो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और आज जो मैं वीडियो आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है लव बर्ड्स की पेयरिंग एंड नेस्टिंग मटेरियल के बारे में। मैं कौन सी नेस्टिंग मटेरियल यूज़ कर रही हूँ, किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ, सब कुछ डिटेल्स में मैं दिखाऊँगी। ये मेरी जो है पहले की वीडियो शूट की हुई है तो मुझे लगा आज मैं क्यों ना शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी लव बर्ड्स के लिए कौन सी नेस्टिंग मटेरियल अच्छी होती है। तो इससे पहले भी मैं और एक नेस्टिंग मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर की थी, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। आप चाहे तो दो किस्म के ही नेस्टिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके का और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लव बर्ड की ब्रीडिंग के लिए कौन सी नेस्टिंग मटेरियल यूज़ करती हूँ वही मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। आई होप ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगे और अगर आए तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे वीडियो के नीचे एक रेड कलर की बटन आएगी, उसको क्लिक कर दीजिए। एंड उसके बाद एक छोटी सी बेल आइकन आएगी, उसको भी ज़रूर क्लिक कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रीडिंग सीजन आ चुकी है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आज सारे पेयर्स को बॉक्सेस डाल दूंगी। एंड उससे पहले और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम अपने हाथों से नेस्टिंग जो है मैं थोड़ी बहुत करके दूंगी ताकि बर्ड्स को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। एंड कौन सी मैं मटेरियल यूज़ करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड अपने हाथों से करने के बाद मैं एवरीडे थोड़ी थोड़ी करके कॉलोनी के अंदर डाल दूँगी ताकि वो खुद भी नेस्टिंग कर सके। उससे जो है थोड़ी बहुत हेल्प भी मिलेंगे और जल्दी नेस्टिंग भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं क्या क्या यूज़ करूँगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं इधर पे खाली बॉक्स ले लिया है। अगर आपके पास पुराने बॉक्सेस है तो हमेशा उसको धूप में सुखा लीजिए ताकि उसके अंदर अगर कीड़े मकोड़े हो तो वो मर जाए। देन मैं यूज़ कर रही हूँ ये कॉर्न। ये कॉर्न के जो छिलके होती है, जैसे कि ये वाले छिलके, इस तरीके का छिलके से मैं नेस्टिंग मटेरियल रेडी करूँगी। तो मैं किस तरीके से करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं मटेरियल बता देती हूँ क्या क्या मैं यूज़ करूँगी। देन ये ग्रास भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि उसको सूखने के बाद यूज़ करना चाहिए। तो ग्रास हमेशा जो है विदाउट काटे होना चाहिए, नहीं तो आपके बर्ड्स मर भी सकते हैं। ये नीम के पत्ते में यूज़ करूँगी। देन मैं ये खजूर की जो लीव्स होती है ये भी मैं यूज़ करूँगी, खजूर की लीव्स। तो चलिए मैं छत में चलती हूँ, देन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये कॉर्न के जो छिलके हैं उसको मैंने हाथों से अच्छी तरीके से स्लाइसेस कर लिया है। देन मैं यूज़ कर रही हूँ ये जो खजूर के लीव्स होती है इसको। ये खजूर की जो लीव्स है अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो इसके बदले में आप कोकोनट के जो लीव्स होती है उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जूट को भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इधर पे कॉर्न के छिलके को मैंने दे दिया है। एंड जो भी मटेरियल आप डालो हमेशा उसको हाथों से राउंड थोड़ी सी शेप में करके दीजिए ताकि नेस्टिंग करने में बर्ड्स को जो है थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो ये देखिए मैंने ये राउंड शेप में करके दिया है। एंड थोड़ी सी मैं जो कॉर्न के छिलके हैं उसको ज़्यादा क्वांटिटी में दे रही हूँ क्योंकि वो सूख जाने के बाद और भी कम हो जाती है, इसलिए इतने भी ज़्यादा मत दे दीजिए ताकि आपके बर्ड्स जो है अंदर ना जा सके। तो इस तरीके से मैं दे रही हूँ। और हमेशा और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, हमेशा आप नेस्टिंग मटेरियल डालने के बाद हाथों से अच्छी तरीके से दबा के देख लीजिए उसमें आपके हाथों से कुछ भी ना चुभे। अगर कुछ भी हाथों में चुभे तो उसको अच्छी तरीके से ठीक कर लीजिए, क्योंकि बर्ड्स जो जब अंदर जाते हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद जब एग्स भी ले होती है उसको भी नुकसान होने के चांसेस होते हैं अगर कुछ हाथ में चुभती है, तो वो हमेशा आप चेक कर लीजिए ताकि उस तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो अभी मैं नीम के पत्ते यूज़ कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके हर एक बॉक्स में, एंड ऊपर से भी मैं कॉर्न के जो लीव्स है वो मैं कॉर्न के जो छिलके हैं वो मैं थोड़ी थोड़ी दे दिया है मैंने। तो ये नीम के पत्ते से क्या फ़ायदे होते हैं, अगर थोड़ी बहुत कीटाणु अगर हो बरसात के मौसम में तो वो मर जाते हैं, वो कीटाणु होने के चांसेस नहीं होते हैं, इसलिए मैं थोड़ी बहुत नीम के पत्ते डाल रही हूँ इसके अंदर। तो मेरा नेस्टिंग बॉक्स जो है रेडी हो चुकी है, तो मैं इसको कॉलोनी के अंदर डालती हूँ एंड देन देखती हूँ बर्ड्स की रिएक्शन क्या है। तो चलिए मिलते हैं इस बॉक्स को कॉलोनी के अंदर डालने के बाद। सो फ्रेंड्स, मैं कॉलोनी के अंदर सारे बॉक्सेस डाल दिया है, लेकिन मैं सिर्फ दो बॉक्स हैंग किया है, थर्ड बॉक्स आप देख सकते हो नीचे की तरफ रखी हुई है। तो ये बॉक्सेस डालने के बाद सारे पेयर्स की रिएक्शन कैसे है वही मुझे देखना था। तो देखती हूँ ये बॉक्स के अंदर जाती है या फिर नहीं, या फिर क्या रिएक्शन होती है, तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होती है। कुछ कुछ बर्ड्स है फ्रेंड्स बॉक्सेस डालने के साथ साथ ही जो है बॉक्सेस चुनना स्टार्ट कर लेती है बर्ड्स, एंड कुछ कुछ बर्ड्स है बहुत दिन टाइम लगा लेती है। तो मेरी बर्ड्स आप देख सकते हो एक एक पेयर करके अपने बॉक्स के ऊपर जाना स्टार्ट कर रही है। कुछ कुछ बर्ड्स सीड्स भी चेंज कर रही थी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाला जो बॉक्स के ऊपर पेयर बैठी हुई है, ये जो है सीड्स भी फूड जो फूड होती है पेयर चेंज करती है। बर्ड्स में भी ऐसी होती है आप देख सकते हो। ऊपर वाले पेयर को आप फॉलो कीजिए, वो अभी सीड्स भी चेंज करेंगे। इसके मतलब है कि वो अच्छी तरीके से पेयर बन चुकी है। आई थिंक 15-20 डेज के अंदर जो है एग्स भी लेकर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सो सारे बॉक्सेस लगाने के बाद कैसे क्या रिएक्शन होती है बर्ड्स का, कौन सी प्रोग्रेस जल्दी होती है, वो सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आप सभी के साथ। तो यही मुझे शेयर करनी थी बॉक्स लगाने के साथ साथ इन सारे बर्ड्स का रिएक्शन। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर अब तक अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे वीडियो के नीचे एक रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिखेगी, उसको क्लिक कर दीजिए, एंड उसके बाद एक छोटी सी बेल आइकन आएगी उसको भी ज़रूर क्लिक कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, एंड मैं बहुत जल्दी मेरी बर्ड्स की प्रोग्रेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो टेक केयर, बाय बाय।